हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रतीक्षा पांडे फ्रॉम एमवीएम पब्लिक स्कूल। टुडे आई विल टीच यू एसएसटी सिविक्स ऑफ क्लास 6 लेसन 7 अर्बन लोकल गवर्नमेंट। एंड स्टूडेंट्स, आई हैड ऑलरेडी डिस्कस विद यू सम मोस्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू फंक्शन ऑफ द कॉरपोरेशन एंड वर्किंग ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। फंक्शंस, द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कार्य क्या क्या होते हैं, वो किसके लिए जिम्मेदार होता है। तो फर्स्ट टॉपिक इज टेकिंग केयर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, नागरिकों की हेल्थ स्वास्थ्य की देखभाल के लिए और सैनिटेशन और स्वच्छता साफ सफाई के लिए जिम्मेदार होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। मतलब इनका काम होता है कि लोगों की स्वास्थ्य की देखरेख करें और स्वच्छ सफाई की भी। फॉर एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ गार्बेज, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, एस्टेब्लिशमेंट एंड रनिंग ऑफ हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स। जैसे इनका काम क्या होता है कि रिमूवल ऑफ गार्बेज, कूड़ा करकट को हटाना, कूड़ा कचड़े को, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स, नालियों को साफ करना, एस्टेब्लिशमेंट एंड रनिंग ऑफ हॉस्पिटल्स, मतलब हॉस्पिटल बैठाना, खोलना और उसको चलाना, डिस्पेंसरी दवा, मैटरनिटी मातृत्व एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स, और मातृत्व व बच्चों के कल्याण के लिए सेंटर्स खोलना। सेकेंड, मेकिंग अरेंजमेंट फॉर वैक्सीनेशन एंड इनोक्यूलेशन टू द चेक द स्प्रेड ऑफ डेंजरस डिजीज। मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब टीके का अरेंजमेंट करना, व्यवस्था करना और टीका लगवाना, और जो चेक द स्प्रेड ऑफ डेंजरस डिजीज, और ये चेक करना, पता लगाना कि जो डेंजरस डिजीज, मतलब जो घातक रोग हैं उसको फैलने से रोकना। सिटी गवर्नमेंट्स हैव प्लेड एन एक्टिव रोल इन रिसेंट टाइम्स टू चेक द स्प्रेड ऑफ सच डिजीज एस बर्ड फ्लू, कंजक्टिविटीज एंड H1N1। और प्रेजेंट टाइम में जो सिटी गवर्नमेंट होती है शहरों में गवर्नमेंट, वहाँ पे क्या होती है कि कुछ डिजीज को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जैसे बर्ड फ्लू हो गया, कंजक्टिविटीज, ये जैसे आँख का रोग होता है ना, आँख आना वो उसको, और H1N1 इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। थर्ड, कीप अ चेक एंड एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, देखभाल के लिए रखना, जो खाने की देखभाल के लिए उसको चेक करते रहना, उसके लिए ये भी काम होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। फोर्थ, मेंटेनिंग अ चेक ऑन पॉपुलेशन, और जो पॉपुलेशन में प्रदूषण होता है उसको चेक करना, उसको मेंटेन किए रहना, मतलब ज़्यादा वायु, ज़्यादा प्रदूषण ना हो, ठीक है। फिफ्थ, एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स एंड एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स। इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्थापित करना, खोलना, ठीक है। मेंटेनेंस मतलब जो प्राइमरी और प्राथमिक और उच्च माध्यमिक जो स्कूल होते हैं उसको खोलना और उसकी मेंटेनेंस के लिए करना, और जो एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स मतलब जो बड़े बच्चों की भी पढ़ाई के लिए, जैसे ग्रेजुएशन और हायर क्वालिफिकेशन के लिए भी एजुकेशन सेंटर, पढ़ाई के लिए उनको खोलना, ठीक है, स्कूल हायर एजुकेशन के लिए भी। हेल्पिंग टू मेंटेन पब्लिक लाइब्रेरीज, म्यूजियम, जूज एंड पार्क्स, और मदद करने के लिए जो पब्लिक लाइब्रेरीज होते हैं, ठीक है, लाइब्रेरी पुस्तकालय लोगों के लिए पढ़ने के लिए, म्यूजियम, संग्रहालय, जू, चिड़ियाघर और पार्क, इन सभी चीज़ों को भी मेंटेन रखने में मदद करना। सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और साफ पीने का पानी हर जगह पहुँचाना। 8, पब्लिक वर्क लाइक कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, फ्लाईओवर्स, ब्रिज, पब्लिक बिल्डिंग्स, मार्केट्स, अर्नामेंट्स ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग, वाटर सप्लाई सिस्टम एंड अदर पब्लिक यूटिलिटीज। और जो पब्लिक वर्क होता है लाइक जैसे कंस्ट्रक्शन, निर्माण का काम, और रोड को बनाने का काम, और उसको मेंटेनेंस मतलब उसको बराबर रखने का काम, मेंटेनेंस, फ्लाईओवर का काम, ब्रिज, और जो पब्लिक बिल्डिंग होते हैं, मार्केट्स और अर्नामेंट्स ऑफ स्ट्रीट लाइट, मतलब जो सड़कों पे जो रोड लाइट लगी होती हैं वो, ठीक है, वाटर सप्लाई और भी जो पब्लिक की उपयोगिता, मतलब उनकी ज़रूरत वाली चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। 9, कंस्ट्रक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड एज होम्स
और फंगस नाइट सेल्टर्स फॉर द होमलेस, और जो पुराने घर हो गए होते हैं उनको उनको मेंटेनेंस उनकी मरम्मत करने के लिए, और फंगस मतलब अनाथालय और नाइट सेल्टर्स रात में रहने के लिए कहीं रुकने के लिए जिसके पास घर नहीं होता ऐसे लोग के लिए भी उनकी मदद करना। 10 मेंटेनेंस ऑफ रोड्स ऑफ सॉरी रिकॉर्ड्स ऑफ बर्थ्स एंड डेट्स, और जो जन्म और मृत्यु के भी रिकॉर्ड को मेंटेनेंस उनको मेंटेनेंस रखना, मतलब उनको रिकॉर्ड उनका अपडेट होना चाहिए, हमेशा पूरा रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए जन्म और मृत्यु से संबंधित। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन वर्किंग ऑफ द म्यूनिसिपलिटीज़, मतलब म्यूनिसिपलिटीज़ के कार्य क्या होते हैं। द कम्प्लीटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द इंटायर सिटी आर टेकन बाई ग्रुप्स ऑफ काउंसिलर्स हु फ्रॉम कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट्स इशूज। किसी भी निर्णय को पूरा होने के बाद में कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है तो उसको पूरा करने के बाद उसका जो प्रभाव होता है वो लगभग पूरे सिटी के ऊपर होता है। और टेकन अ ग्रुप ऑफ काउंसिलर, तो इसमें जो काउंसिलर्स होते हैं सभासदों का जो ग्रुप होता है वो सभी ग्रुप बना के जो भी प्रॉब्लम्स होती है या जो भी कोई कुछ भी डिसीजन लेना है तो उसको डिसाइड करते हैं, और उन सारी बातों पर जितने भी मुद्दे होते हैं जितने भी बात होती है उन सभी पे डिबेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए इफ़ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड आर अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लो कि अगर बस स्टैंड है कोई, ठीक है, बस स्टैंड में और सुधार की ज़रूरत है, या फिर कोई क्राउडेड मार्केट प्लेस मतलब कोई मार्केट में ऐसा प्लेस जहाँ पे काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ होती है, ठीक है, और वहाँ पे जो कूड़ा कचरा गार्बेज होते हैं उसको साफ़ सफाई के लिए उसको डेली साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे मैटर्स आर दियर इज अ नाला आर ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग इट्स, और या फिर कहीं पे नाला या नाली है, ठीक है, तो और वो क्या हो गया, कट गया, उसका पानी मतलब सिटी में फैल रहा है, उसको साफ़ करने की ज़रूरत है, तो ये सारे काम को करने का काम करती है। इट इज़ दिस कमिटीज दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन, और ये जो कमेटी बनती है ये डिसाइड करती है कि उस वर्क को कैसे डन कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है, कैसे पूरा करना है उसे। व्हेन द प्रॉब्लम्स आर विद इन अ वार्ड, अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई समस्या किसी वार्ड के अंदर आती है, व्हेन द पीपल हु लिव इन द वार्ड कैन कॉन्टेक्ट दियर काउंसिलर्स, तो उस जो वार्ड के जो मेम्बर्स होते हैं जो लोग उस वार्ड में रहते हैं वो तुरंत अपने काउंसिलर्स अपने सभासद को जाके उससे कांटेक्ट करके मतलब उनसे मिलजुल के अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन देन द लोकल काउंसिलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। अगर एग्जांपल के लिए आप समझो कि कोई कहीं भी डेंजरस इलेक्ट्रिक वायर्स मतलब जो खतरनाक बिजली के तार होते हैं वो लटक रहे हैं तो वहाँ पे जो लोकल काउंसिलर्स होते हैं उनको हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, और वो जाके बिजली प्राधिकरण को ये जाके उनको इन्फॉर्मेशन दें और उनसे फिर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बोलें, ठीक है। वाइल द काउंसिलर्स कमिटीज एंड द काउंसिलर्स डिसाइड ऑन इशूज, कह रहा है जब काउंसिलर्स कमेटी जो होती है सभासदों की जो कमेटी होती है और जो सभासद होते हैं वो सारी मुद्दों को डिसाइड करते हैं उन पर निर्णय लेते हैं, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दिस डिसीजन। उसके बाद जब जो कमिश्नर होते हैं वो और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मतलब जो प्रशासनिक जो स्टाफ होते हैं लोग होते हैं वो सभी लोग मिलके उस काम को लागू करते हैं, ठीक है, जो डिसीजन लिया जाता है उस डिसीजन को लागू करने का काम करते हैं। सोर्स ऑफ इनकम फॉर एग्जीक्यूटिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब किसी भी जिम्मेदारियों को क्रियान्वित करने के लिए उनको करने के लिए द कॉरपोरेशन नीड्स फंड, ठीक है, जो कॉरपोरेशन होता है निगम होते हैं उन्हें क्या होते हैं फंड की जरूरत पड़ती है, मतलब पैसे की जरूरत पड़ती है मनी की। द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कॉरपोरेशन आर एज फॉलोज, तो उन्हें जो काम करने के लिए जो फंड होती है वो फंड के लिए उनके पास सोर्सेज कौन कौन से, कहाँ से उनके पास पैसे आ सकते हैं अभी हम ये उसमें देखेंगे, इस टॉपिक में रीड करेंगे। ओके, आप जानते हो कि बिना किसी फंड के ना बिना किसी पैसे के हम काम को पूरा नहीं कर सकते कॉरपोरेशन, तो इसलिए उनके पास कुछ सोर्सेज होते हैं इनकम के। फर्स्ट, ग्रांट्स एंड लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार होते हैं उनसे अनुदान और ऋण लेते हैं ये लोग, लोन लेते हैं, ठीक है, उसको अपने काम जरूरतों को पूरा करने के लिए। टैक्सेस ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी व्हीकल्स लाइक बसेस कार्स ऑटो रिक्शा टू व्हीलर्स एक्सेट्रा, और ये लोग टैक्स भी लेते हैं कर लेते हैं किस पे, लैंड जमीनों पे, प्रॉपर्टी और जो उनके पास पूंजी होती है जमीन और पूंजी भी ये लोग कर लेते हैं।
टैक्स, और जो व्हीकल्स होते हैं जैसे बस, कार, ऑटो रिक्शा और टू व्हीलर्स, इन सभी पे ये लोग टैक्स लेते हैं। ये भी क्या होता है, सोर्स ऑफ इनकम है कॉरपोरेशन का। और म्यूनिसिपल टैक्स ऑन बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट लाइक होटल्स, मार्केट, शॉप्स एक्सेट्रा। और म्यूनिसिपल मतलब निगम कर भी होता है जो किसी न किसी बिजनेस को स्टेब्लिश मतलब बिजनेस स्थापित करने के बाद लिया जाता है, लाइक जैसे होटल हो गया, मार्केट हो गया, शॉप अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें भी म्यूनिसिपल टैक्स लेते हैं। टैक्स फॉर मेंटेनिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, और पानी, वाटर, पानी और जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए भी कर लेते हैं, मतलब कहीं भी पानी और बिजली को पहुंचाने के लिए, उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी कर लेते हैं टैक्स। इंटरटेनमेंट टैक्स इज़ कलेक्टेड फ्रॉम सिनेमाज, हाउस एक्सेट्रा। और इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन के लिए भी ये लोग टैक्स लेते हैं, इंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन, ठीक है, तो इंटरटेनमेंट के लिए भी टैक्स लेते हैं, तो वो कहाँ से, सिनेमा और हाउसेस से, सिनेमा हाउस से ये टैक्स लेते हैं। अ टैक्स कॉल्ड ऑक्ट्री इज कलेक्टेड ऑन गुड्स एंटरिंग द सिटी। और ये लोग निगम, ये एक चुंगी कर होता है जिसे निगम कर भी कहते हैं ये लोग, तो चुंगी कर या निगम कर जो होता है वो क्या होता है, जब कोई भी गुड्स, कोई भी सामान हमारे सिटी में एंटर करती या आती है तो उसमें निगम कर टैक्स ऑक्ट्री इसको कहते हैं, तो ये वहाँ पे भी टैक्स लेते हैं उन सामानों पर भी। मेनी सिटीज कलेक्टेड टोल टैक्स ऑन सर्टेन रोड्स आर ब्रिजेस। और बहुत सारे सिटीज़ में ऐसा होता है कि जो टोल टैक्स लेते हैं, मतलब जो ब्रिज होते हैं, ठीक है, या रोड्स होते हैं, तो उस पर आने जाने के लिए भी ये लोग टैक्स लेते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे सिटीज़ में या वहाँ पर ये रोड और ब्रिज टोल टैक्स लेते हैं। आप फिगर भी देख सकते हो, करेक्शन ऑफ द टोल टैक्स ऑन रोड, मतलब जैसे टोल टैक्स बना के ये लोग रोड पे ये क्या करते हैं, टैक्स लेते हैं। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स, आई होप यू वेल अंडरस्टैंड अबाउट अर्बन लोकल गवर्नमेंट। थैंक यू।